कुछ और खबरें देखते हैं। कांग्रेस के प्रचार अभियान ने पकड़ेगा जोर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा तय हो गया है। 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। बिलासपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 30 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ आएंगे। जांजगीर लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, जो बिलासपुर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और 30 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे, जो जांजगीर लोकसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के दो बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तीसरा और आखिरी चरण होना है 7 मई को, और उससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि दौरे तय हो गए हैं कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के। 29 अप्रैल को राहुल गांधी आ रहे हैं, जो चुनाव प्रचार करेंगे बिलासपुर में, और इसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में वोटिंग होनी है, और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से ये दो बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने पहले चरण में और दूसरे चरण में बड़े नेताओं के दौरे नहीं देखे हैं, लेकिन तीसरे चरण के लिए कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 29 को राहुल गांधी, 30 को मल्लिकार्जुन खड़गे। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इससे पहले के दो चरण में हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ में दौरे नहीं देखे, लेकिन तीसरे चरण के लिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो कांग्रेस के जो नेता हैं अब तीसरे चरण की चुनावी तैयारी में कहीं ना कहीं जुट गए हैं। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा देखा जा रहा है। देखिए, इससे पहले यदि हम पहले चरण की यदि मतदान की हम बात करें या पहले चरण के चुनाव की हम बात करें, उस दौरान कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा देखने को जरूर मिला था, लेकिन दूसरे चरण में केंद्रीय नेताओं का, खासकर कांग्रेस के, वो बहुत कम देखने को मिला। लेकिन अब तीसरे चरण के चुनाव में लगातार कहीं ना कहीं दौरा देखने को मिल रहा है। देखिए, आज शाम खुद जो प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पे अलग अलग जिलों पे जाकर के दौरा करेंगे, फीडबैक लेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए 29 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं, 30 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, तो उनकी तमाम जो तैयारी है उनका जायजा लेंगे और पूरी तरह से तैयारियों को लेकर के सचिन पायलट दिशा निर्देश देते भी नजर आएंगे। देखिए, अगर दौरे की हम बात करें तो देखिए 29 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी का दौरा बिलासपुर में है, चूंकि देखिए बिलासपुर से देवेंद्र यादव कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो चुनावी मैदान पे हैं, तो बड़ी जनसभा को कहीं ना कहीं राहुल गांधी संबोधित करते नजर आएंगे। उसके ठीक दूसरे दिन 30 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिलेगा। वो जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो चुनावी मैदान पे हैं सीव डहरिया, तो उनके कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई देंगे। लेकिन खास बात यह है, जांजगीर लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि वहां वो एससी के लिए आरक्षित सीट है और वहां से सीव डहरिया चुनावी मैदान में है, दलित वोटरों को जो साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि विधानसभा के लिहाज से यदि देखें तो जांजगीर लोकसभा सीट के तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के कब्जे में है, तो दोबारा उसको बरकरार करने के लिए भारी मतों पर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज कर सके, इस वजह से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जांजगीर लोकसभा सीट पे दौरा देखने को। जांजगीर को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और भी मजबूती देने के लिए पहुंच रहे हैं 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की जांजगीर लोकसभा सीट पर। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ।